दिस विल बी वेरी शॉर्ट वीडियो आपको बस एक इस एप्लीकेशन से बस एक थोड़ा सा मैं प्राइस चित करा देता हूँ प्राइस चित में हिंदी में क्या वर्ड होता है कुछ भी हो। आपको बस फैमिली कर देता हूँ देखो सबसे पहले अगर आप ये एप्लीकेशन ओपन करेंगे ना तो आपके सामने कुछ ऐसा ऐसा स्क्रीन आएगा अगर आपके पास यूज़र आई डी लॉगिन है अगर आपको यूज़र आई डी लॉगिन जनरेट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके रजिस्टर करके इनकी वेबसाइट पर एग्जाम देकर कुछ कर सकते हो आ, वैसे भी यूज़र लॉगिन और गेस्ट लॉगिन में कुछ फ़र्क नहीं होता बस यूज़र लॉगिन और गेस्ट लॉगिन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है वो है सेव करने का फाइल्स को अगर आप यूज़र लॉगिन बनाओगे थोड़े थोड़ा सा मेहनत करके इनकी वेबसाइट पे रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आ, कुछ आ, कैसे करने चीज़ों को और गेस्ट लॉगिन पर अगर आप करेंगे तो गेस्ट लॉगिन पे आप सिर्फ तीन बार फाइल्स सेव कर सकते हैं उसके बाद आप फाइल सेव नहीं कर सकते बस इतना सही डिफरेंस है मेरे पास लॉगिन आईडी है मैं चाहूँ तो वहाँ से कर सकता हूँ अभी बट मैं आप सबके साथ ही जाऊँगा और आ, मुझे एक बात बतानी थी कि देखो नीचे अगर आपको कुछ भी डाउट है ना तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो और बाकी के लोग जो वीडियो देख लिया प्लीज़ जाके नीचे कमेंट्स चेक करो और प्लीज़ लोगों को या फिर आपको जितने भी डाउट से नीचे अगर आपको किसी का आंसर पता है तो प्लीज़ जाके आंसर करो आ, मुझे कभी कभी टाइम नहीं मिलता है कमेंट्स को रिप्लाई करने में या फिर कॉलेज का असाइनमेंट वगैरह आप तो जानते ही हो ना तो प्लीज़ अगर किसी को डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसने अगर पूछा हो जेनुनली तो आप आंसर कर देना आ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं भी पक्का कर दूँगा बट लेट्स बिल्ड द हेल्दी कम्युनिटी टुगेदर ठीक है तो आप हम सब बी एस सी आई टी साथ में पास करेंगे ठीक है अकेले नहीं जाना है तो ऐसे ठीक है आप इस टॉपिक पे आते हैं ये आ, आपका सिस्को पैकेट जैसा विंडो ओपन हो जाएगा ये आ, विंडो ओपन होने के बाद मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि अगर आप मैक में हो और विंडोज़ में हो तो ऑलमोस्ट सब सेम होता है ठीक है इसका ये मतलब नहीं कि कुछ नहीं और बस आपका मेरा जो यहाँ पर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर कुछ मिलेगा तो आ, ये देखो यहाँ पर आप नेटवर्क डिवाइसेस में आप राउटर सिलेक्ट कर सकते हो इसमें से हम मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़ करेंगे पीटी राउटर यहाँ से आप स्विचेस सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से आप ये जो है ये सब कर सकते हो और डी एन सर्वर्स वगैरह ये सब के लिए काम आता है क्लाउड मॉडर्न के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर है काफ़ी फिर उसके बाद जाएंगे हम एन डिवाइसिस में एन डिवाइसिस में आप पी ले सकते हो लैपटॉप सर्वर प्रिंटर आईपी फोन वी आई पी डिवाइस फ़ोन टी वी जो अच्छा हो वो ले सकते हो आ, और फिर आ, यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स है यहाँ पर वायर्स है जो कि हम बीच में कनेक्शन करने के लिए काम करेंगे इसको क्लिक करके हम डिटेल में देखेंगे आ, यहाँ पर कुछ पीसी फोल्डर्स है और यहाँ पर मल्टी वगैरह तो अभी मैंने आपको बताया कि आप आ, यहाँ से डिवाइसेस ले सकते हो अगर आपको कोई डिवाइस यूज़ करना है फ़ॉर एग्जांपल मुझे पी टी यूज़ करना है तो मैं उसको ड्रैग और ड्रॉप कर सकता हूँ फ़ोन आया मुझे आ, 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 काट दिया तो आ, मुझे अभी आ, तो मुझे आ, राउटर यूज़ करना है समझो मुझे पीटी राउटर यूज़ करना है तो मैं पीटी राउटर के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके क्लिक कर दूंगा या फिर मैं सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ ठीक है जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो और ऐसे डिवाइसेस यूज अभी समझो मुझे पीसी आ, पीसी लाना है तो मैं यहाँ पे पीसी पे क्लिक करके यहाँ पे छोड़ सकता हूँ या फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ जो आपको कंफर्टेबल को, है आप वो कीजिए बस मैंने बता दिया अभी आपको समझो अभी मैंने आ, एक पीसी लिया था और एक आ, स्विच लेते हैं पी स्विच उसको यहाँ पर क्लिक कर दिया अगर मुझे इन दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो मुझे वायर की मदद पड़ेगी आप चाहो अगर आप में बहुत ज़्यादा पढ़ने का कीड़ा है तो आप ये सब वायर्स देख सकते हो कि कौन सी वायर किसको यूज़ होती है बट जिसको पढ़ने का कोई कीड़ा नहीं है जो सिर्फ प्रैक्टिकल पास होने के लिए वीडियोज़ देख रहे हैं या फिर बस ऐसे टाइम पास के लिए आप देख रहे हो तो आ, ये आप ए आई छोड़ सकते हो ऐसा मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे बट इसमें आप ऑटोमेटिक वायर देख सकते हो यहाँ पर ठीक है ये ऑटोमेटिक वायर पर आप क्लिक करके तो ये अपने आप डिसाइड कर लेगा कि आप जिस डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हो वो कौन सी वायर से कनेक्ट करनी चाहिए इनमें से जितने भी ऑप्शन है उसमें से अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप नीचे वायर आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो खुद से तो हम ऑटोमेटिक वायर पे क्लिक करेंगे और मुझे पीसी को कनेक्ट करना है स्विच के साथ तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा ये अपने आप इन में सिलेक्टेड वायरस में से एक वायर सिलेक्ट हो जाएगी अपने आप और वो डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेगी आप कैसे भी क्लिक कर सकते हो आप टी से स्विच पर क्लिक करो तो भी सेम कनेक्शन होगा या फिर स्विच पर पहले क्लिक करो बाद में पी सी क्लिक करो कनेक्शन में हो नहीं होता ठीक है आप देखो वैसे ही होता है कि आप पहले फ़ोन को चार्जिंग पे फोन को चार्जिंग में प्लग करो उसके बाद दीवार में प्लग करो या फिर पहले दीवार में प्लग करो या फिर फ़ोन में प्लग करो दोनों एक ही होता है तो वैसे यहाँ पर भी दोनों एक ही होता है फिर वैसे आप कनेक्ट कर सकते हो बट आपका जो इंटरफेस है वो ऐसे नहीं होगा आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप मैक यूज़र हो तो देखो यहाँ पर पोर्ट लेवल्स दिखाई दे रहे होंगे एफ ए ज़ीरो एफ ए जीरो बाई वन वो हमें कॉन्फिगर करते टाइम काम आते हैं मतलब हमें पता होना चाहिए ना कौन सी वायर कहाँ पर कनेक्टेड है और हम किस पोर्ट को कॉन्फिगर कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप मैक यूज़र हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है प्रेफरेंसेस में और ऑलवेज शो पोर्ट लेवल पर ऑन कर देना है जो आपका डिफॉल्ट ऑफ रहेगा इसको ऑन कर दो अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा उस ऑप्शन पर ये देखो यहाँ पर मुझे कैसे ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर आपके इसमें ऑप्शन रहेगा वहाँ पर क्लिक करो और वहाँ पर आपको एक सेम ऑप्शन आएगा प्रेफरेंसेस करके उसके ऊपर क्लिक करो आपका भी एक ऐसा सेम विंडो ओपन हो जाएगा और उसके बाद ऑलवेज़ शो फाइल डिवाइस पे ऑलवेज़ शो पोर्ट लेबल पर क्लिक करना तो आपके भी ऐसे दिख जाएंगे तो और फिर बाद में आप ऊपर का ये थोड़ा सा लेआउट समझते हैं अगर आपको सेव करना है तो फाइल पर जाकर सेव कर सकते हो अगर आप गेस्ट में हो तो आप सिर्फ तीन बार सेव कर सकते हो अगर आपने लॉग किया हो तो आप अनलिमिटेड टाइम सेव कर सकते हो तो ये जो है ये हमारा डिफॉल्ट एरो होगा एरो मतलब जिसको हम सिलेक्ट करना है या फिर इसके ऊपर क्लिक करके इसको कॉन्फिगर करना है तो ये हो गया माउस ये सर्च पे अगर हम जाएंगे तो ये देखो यहाँ पर आपको इतना सब दिखेगा ये इरेजर होता है तो ये इरेजर मतलब ये इरेजर मतलब अगर आपको समझो ये पी डिलीट करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है इरेजर के ऊपर और ये पी डिलीट हो जाएगा और ये भी डिलीट हो जाएगा तो ये दोनों हम ज़्यादा यूज़ करेंगे ये और ये ठीक है गलती से डिवाइस आप मैं गलती से आपका डिवाइस ही हो जाएगा उल्टा पुलटा तो इसको दोनों को याद कर और एक तीसरा भी है यह पैकेट्स का ये पैकेट्स का होता है मतलब अगर आपने समझो कि यहाँ पे एक राउटर है और यहाँ पर एक पीसी है उप्स और यहाँ पर एक पीसी है मैं क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिक कनेक्शन राउटर और पीसी को जोड़ दो ठीक है अभी ये पैकेट्स का है ये दोनों पैकेट्स है अगर आपको चेक करना है कि ये दोनों कॉन्फिगर है आप देखो यहाँ पे रेड कलर का दिखाई दे रहा है इसलिए क्योंकि आ, क्योंकि ये कॉन्फिगर नहीं है कॉन्फिगर कैसे करना है वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे अगला वीडियो में बेसिक सा कनेक्शन देख के कॉन्फिगर करेंगे तो उसके लिए हमें मैसेज पे ऊपर क्लिक करना होगा ये हो गया मैसेज ये चेक करेगा मतलब ये मैसेजेस राउटर से पी के बीच में आता है क्या तो नहीं आता तो ये चेक करने के लिए राउटर ये मैसेज का सिम्बॉल है कि आपने सब कनेक्शन बराबर किए या फिर कॉन्फिगर किया तो आपको इसका रिजल्ट कहाँ पे दिखेगा इसका रिज़ल्ट आपको दिखेगा यहाँ पर एक विंडो आती है वो आपके इसमें नहीं होगी तो यहाँ पे क्लिक करना ठीक है यहाँ पर ये एक छोटा सा खुलेगा ये फिर आपका ऐसा छोटा सा होगा इतना कितना इसको बाद में ऐसा ड्रैग करके यहाँ पर ले लो तो यहाँ पर सक्सेसफुल या फेल लिख के आएगा कि आपने कॉन्फिगर किस हिसाब से किया तो हम आगे आगे देखेंगे तो ये सर एक सिस्को पैकेट क्लैसर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो तो आ, आगे हम देखेंगे कि सिसको पैकेट क्लैसर में एक बेसिक सा कनेक्शन बनाएंगे फिर उसके बाद एडवांस पे जाएंगे और उसके बाद फटक से हम जंप कर देंगे राउटिंग uh, के ऊपर फिर ओ एस पी एफ के ऊपर आपको धीरे धीरे समझ जाएगा मतलब हम बी एस आई आई टी ही करेंगे तो मैंने सोचा कि हर एक वीडियो में अगर वीडियो देख के आप कन्फ्यूज़ हो जाओ आपके पास बहुत टाइम है आप स्टार्टिंग में ही देख रहे हो तो मैंने सोचा कि पूरा डिटेल में बनाते हैं इसलिए बना रहा हूँ और कुछ नहीं अगले अगले वीडियो में मिलते हैं इस वीडियो को देखते हैं थैंक यू